झांसी वाली रानी में, मत समझो रानी नहीं यहाँ, मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, झांसी वाली रानी में सही रानी वाली झांसी तो है। हमारी पुलिस स्टेशन शुरू होती है, उधर करुआ तक चिड़गांव के आगे हमारी पुलिस स्टेशन जाती है, उधर मारकुआ तक। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा कोई भाषण नहीं देना है, हमें यही निवेदन करना है कि इतने ज्यादा मतों से अनुराग शर्मा को जीतना चाहिए कि पूरी 543 सीटों का एक रिकॉर्ड बने कि झांसी से संसद, क्योंकि जिस तरीके की विरोधी लोग साजिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना परिवार संविधान किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग और राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सबको रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था होगी, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की व्यवस्था होगी। लेकिन 18 साल जवाहरलाल नेहरू, 11 साल इंदिरा गांधी, 7 साल राजीव गांधी, 10 साल सोनिया गांधी के हाथ में मनमोहन सिंह जैसे रबड़ के गुड्डे की कमान, 55 साल तक एक खानदान कुर्सी पर बैठा रहा, ये देश किसी की जागीर थोड़ी है। यहाँ जितने नेता हमारे बैठे हैं, यहाँ आम जनता नहीं आया है, यहाँ सारे नेता आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्रीम आई है। मैं आपसे ये कहकर के विदा होता हूँ कि अगर खिलाफ है होने दो, चांद थोड़ी है, ये सब धुंध है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी याद तो आएंगे कई घर जल में, यहाँ पे हमारा सब हमारा मकान थोड़ी है, और हमने माना कि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो सारे मसलन है वो किराएदार है, घर का मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा है, हम उसको लेकर के रहेंगे। और जब 23 तारीख को रिजल्ट खुलेगा, और झांसी और ललितपुर का जब डिब्बा खुले, मशीनों से जब रिजल्ट निकले, तो इतनी ज्यादा मतों से अनुराग शर्मा को विजयी होकर के झांसी से जाना है कि पूरी तबारीख में 1952 से लेकर के 2019 तक ये लिखा जाए कि रघुनायक विनायक धुलेकर के बाद जो पहले संसद सदस्य थे, अगर कोई बहुत ज्यादा मतों से जीत के आए हैं, तो उनका नाम है श्री अनुराग शर्मा। यही मुझे आपसे कहना है। मैंने एक बार और कहा था, अभी वो ललितपुर में मैंने बात की थी उस दिन, और गडकरी जी की मीटिंग में भी कहा था कि जो लोग हमसे लड़ाए हैं वो कौन लोग हैं। रावण जब कुर्सी पे बैठा तो उसने मालूम क्या काम किया था, रावण की बहन भी थी सुपर्णखा तारका, उनमें यहाँ उत्तर प्रदेश में एक सुपर्णखा और तारका है, आप सब जानते हैं, उसका लड़का भी था एक मेघनाथ, उनने बैठा, रावण ने आदेश किया, 10 मुख बैठ सभाए के 12 और निज मंत्र सन कीने बेचारा। क्या कहा रावण ने, जहां जहां विप्र धेनु सुर बाबा और नगर गांव पर आग लगाबो। ये समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए लाइने हैं। उसका परिणाम क्या हुआ, 12 खल बहुत चोर जुआरा और जे लंपट पर धन पर दारा, माने मातु पिता नहीं देवा और साधुलते करवा में सेवा, जिनके जे आचरण भवानी और ते निश्चर समझानो प्राणी, बरन न जाए अनीत घोर निसाचर जो करे हिंसा पर अति प्रीत, तिनके दारुण कबरवन।
किसकी बहू बेटी की इज्जत लुट जाए, किसके मकान पर ताला गिर जाए, किसका प्लॉट हो जाए। समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसलिए मैंने चौपाई पड़ी सुरमुन गंधर्वा मिल के सर्वा गए ब्रंज के लोका, सन गौतम धारी भूमि बिचारी परम विक्रम साहब है शोका। ब्रह्मा तब जाना मना नवाना मोर का चूना बसाई, जाकर ते दासी चौपासी करे तो सहाई। भगवान के यहाँ पहुंचे तो भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, और जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान राम ने जब रावण को मारा तो मोदी जी और योगी जी, रमेश शुक्ल जी, आदरणीय पटेल सरावगी जी, जमुना कुशवाहा जी, हमारे राजीव पारीछा जी, मनोहर जी, रामरतन कुशवाहा जी, उमा भारती जी, जितने हमारे बड़े बड़े नेता मंचा सिंह बहुत लोग मेरे नाम लंबी सूची है। हम क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है इस देश में? ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिले, सबको शिक्षा स्वास्थ्य को सम्मान मिले, ये बीजेपी सबका साथ और सबका विकास चाहती है। इसलिए जब हमारी द्वारा सरकार बनेगी तो हम इन शब्दों के साथ आपके बीच से विदा होते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण को मार करके लौटे, अयोध्या जी में जब उनका राज तिलक हुआ, जब माननीय अनुराग शर्मा का राज तिलक हम करेंगे संसद सदस्यता के रूप में, और मोदी जी शपथ लेंगे, और जब दो मंत्री जी बनेंगे तो कैसा राज होगा? राम राज बैठे त्रैलोका, ओ हर्षित भए गए सब सोका, सब लड़ करे परस्पर प्रीति, ओ चले स्वधर्म भेद सुत नीति, सब व्यापक सब मनुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कहु नहु पीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ओ राम राज का वही नहीं व्यापा, किदु मैं पूरे पीयूष ने रवि तक जितने काज, ओ मांगे भारत दे जल राम चंद्र के राज। अगले जी 5 साल बने रहे मुख्यमंत्री, पानी नहीं बरसा, खेतों का किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, जैसी योगी की राज बदली, और सत्यन के साथ अभी यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए हम आपसे ये निवेदन